व्रत के टाइम पे सब लोग ये सोचते रहते हैं कि आज नया क्या खाया जाए, बिकॉज बोरिंग हो जाता है काफ़ी दिनों तक सेम चीज़ खाते हुए, या फिर ऐसा लगता है कि भैया अब ये खा लिया, लास्ट ईयर ये खाया था, अब क्या खाएं। आज शकरकंद से कुछ बनाते हैं, शकरकंद की टिक्की, साथ में बढ़िया सी आम की लौंजी, बिल्कुल करारी सी। आम की लौंजी मतलब आम की चटनी। अब आम की चटनी के लिए मेरे पास ग्रेटेड आम है, थोड़े से घी में पहले मैं हल्के से मसालों को भून लूंगा। घी गरम होते ही थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी, ये तीनों को हल्का सा भूना और इसमें डाल दिया ये आम। अब हमें आम को इस तड़के के स्वाद के साथ पकाना है और साथ ही में इसकी जो खटास और मिठास को बैलेंस करना है। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि जो गुड़ इसमें डाला जाएगा वो मेल्ट हो जाए। कच्चा आम खट्टा रहता है, गुड़ से मिठास आएगी, खट्टा मीठा थोड़ा सा तीखा, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए इसे हल्की आंच पर चढ़ा दिया जाए। अब बनेगी टिक्की की स्टफिंग, बहुत बढ़िया सी मटर की स्टफिंग, यूपी वाली। व्रत का खाना घी में ही बनता है इसलिए घी ही यूज़ करूँगा मैं। घी गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा क्रैकल करेंगे। खैर मैं यूपी का हूँ और यूपी में टिक्की और कचौड़ी में ये स्टफिंग डाली जाती है। लौंजी अब उबल रही है, पक रही है, इसमें डाली जाएगी थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर और नमक के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। खट्टा मीठा तीखा मज़ेदार। अब यहाँ पर जीरा जो है वो भुन गया है, फटाफट थोड़ी सी हींग डाली जाए, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, चॉप करी हुई हरी मिर्च, अमेजिंग फ्लेवर, और सीधा ये मटर अंदर। मटर के साथ स्टफिंग में जाएंगी थोड़ी सी किशमिश, साथ ही में डालेगा थोड़ा सा ये काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर। मटर और किशमिश अच्छी तरह से पक रहे हैं भैया, अब इसमें भी खटास की ज़रूरत है। और पता है ना आपको, व्रत में अमचूर नहीं खाते हैं तो ये कच्चा आम जो है इसे खा लेते हैं। फ्रूट्स है, फ्रूट खा सकते हैं। ये लौंजी अब बिल्कुल तैयार है। अब हल्का सा पानी का छींटा, जस्ट ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। अब इसे थोड़ा सा क्रश कर लिया जाए। ये जो व्रत का टाइम है उसमें कहीं जगह पे आम नहीं मिलता, और अगर आम ना मिले आप ये ना बनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो भैया आपको स्वीट पोटैटो तो हमेशा मिलेगा, मटर हमेशा मिलेगा। आम नहीं मिले तो उसे किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दीजिए, किसी और खटाई से रिप्लेस कर दीजिए। मेरे पास है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, उसे उबाल लीजिए, उसका मैश बनाना। अब इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा राजगिरे का आटा, क्योंकि व्रत में अलावेंस होती है, कुछ टाइप के आटा खा सकते हैं, कुछ टाइप का आटा नहीं खा सकते। थोड़ा सा काला या सेंधा नमक, हल्का सा मिर्च का पाउडर। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे ताकि एक टाइट डो बन जाए। ओके, अब समय है कि टिक्की बनाई जाए, और टिक्की जो है उसके लिए आप अच्छे से एक ऐसा राउंड गोला बनाएं और फिर इसे अपने हाथों से इस तरह से बीच में से थोड़ा सा एक जगह बनाएं। अब थोड़ी सी स्टफिंग इसके अंदर गई और इसे अच्छे से बंद कर दिया। अब जो ट्रिक है वो ये है, अपने हाथ को इस तरह से बनाया और इस तरह से दबाते गए घुमाते गए। अब पलटी मार के सेम चीज़, ये इसलिए ताकि स्टफिंग पूरी तरह से बीच में बैठ जाए और साइड्स जो हैं वो पतली हो जाएं। चलिए टिक्की तैयार। अब टिक्की को सेका जाएगा और लौंजी के साथ खिलाया जाएगा। बढ़िया से एक तवे पे थोड़ा सा घी। भैया टिक्की को अगर क्रिप्सी करना है, क्रिप्सी, तो चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा घी। टिक्की जो है बीच में से थोड़ा सा घी लेके, बिल्कुल टिक्की वालों के स्टाइल बना रहा हूँ भैया। मेक श्योर कि टिक्की सब साइड से इवनली पके। तो अगर तवा आपका छोटा है और बीच में से इस तरह से है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्वर्लिंग द घी। इट विल जस्ट मेक श्योर दैट टिक्की चारों तरफ से इवन फ्राई हो रही है।
हल्की आंच पे ये टिक्की को एकदम क्रिस्प करना है और उसके बाद वी आर रेडी टू प्लेट। आम की लौंजी इसको करा जाए यहाँ पे टॉप। एक बात तो गारंटी है, इतनी टेस्टी है कि जो भी रेसिपी देखेगा उसे ज़रूर से ट्राई करेगा, और अगर ट्राई करेगा तो शेयर करेगा, और शेयर करेगा तो ऑब्वियसली लाइक करेगा, और लाइक जब कर ही लिया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि व्रत का खाना अब अमेजिंग अमेजिंग टेस्टी गुड लुकिंग एंड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस ये कभी भी बना सकते हैं, नॉट जस्ट व्रत टाइम।